चारों तरफ हैं शोले, हम साए में जल रहे हैं, मैं घर में बैठा बैठा बस हाथ मल रहा हूं। पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भले ही खुशी से फूली नहीं समा रही हो, लेकिन बांसवाड़ा की पुरानी भाजपा के छुटभैये से लेकर कद्दावर नेता अभी बस हाथ ही मल रहे हैं। उनकी खुशी काफूर हो चुकी है। यहां हम पुरानी भाजपा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही पार्टी में आए कांग्रेस के बड़े नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया की ही वागड़ में चल रही है। भाजपा के सभी पुराने दिग्गज हाशिए में चले गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही जीत की आस के लिए महेंद्रजीत सिंह मालविया को अपनी पार्टी में ले लिया हो, लेकिन बरसों से आस लगाए बैठे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ तो कुठारा गाथी हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास काबिल दावेदारों की कमी थी। 2014 में मानशंकर नीनामा और 2019 में कनकमल कटारा ने जीत दर्ज करके सांसद की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ पार्टी में शामिल हुए सुभाष तंबोलिया को भाजपा ने टिकट देकर पुरानी भाजपा के कार्यकर्ताओं के अधिकारों को मारा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सालों से भाजपा कार्यकर्ता रहे दिग्गज क्या उसी शिद्दत से पार्टी का काम करेंगे या मायूस होकर हाथ मलते हुए घरों में बैठकर परिणाम का इंतजार करेंगे। वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वागड़ इलाके में मालविया बड़े क्षत्रप नेता हैं। भले ही वह कांग्रेस छोड़कर आए हैं, लेकिन उनकी दबंगई भाजपा में कांग्रेस जैसी ही है। 4 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान की आखिरी तारीख है और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के तहत समझौता हो जाता है तो बाप का समर्थन मिल सकता है और ऐसे में बांसवाड़ा संसदीय सीट और बागीदोरा विधानसभा सीट भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि वागड़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अच्छी जीत हासिल की थी। 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस, 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री मिली थी। मालविया के भाजपा में शामिल होने से 3 सीटों पर भाजपा का प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बाप की ताकत सामने आई है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो 5 पर इंडिया गठबंधन मजबूत है और 3 पर भाजपा। वहीं 2014 और 2019 के परिणामों से अनुमान लगाएं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक कर सकती है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी का बढ़ता वजूद और इंडिया गठबंधन का समर्थन भाजपा की हैट्रिक के सपने को तोड़ सकता है। कुल मिलाकर नई भाजपा और पुरानी भाजपा अगर मिल नहीं पाई तो उसके दूरगामी परिणाम बुरे हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को बड़ा आम कार्यकर्ता ही बनाता है और अगर उसे ही हाशिए में डाल दिया जाए तो पार्टी को नुकसान होना तय है। जय जोहार।